हेलो एवरीवन, मेरा क्वेश्चन है चैप्टर 14 स्टैटिक्स डायरेक्ट मेथड। आप लोग को आज मैं बताने वाला हूँ, तो कल चलिए किस तरह निकाला जाता है इस मेथड को। मेरा क्वेश्चन दिया हुआ नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है, देखिए सब। नंबर ऑफ हाउस दिया हुआ है, एक्स आई निकालना है, एफ आई एक्स आई निकालना है। तो चलिए इसको किस तरह निकालते हैं। पहले इसको प्लस कर लीजिए, तो कितना आएगा, टू टू आया। और एक्स आई किस तरह निकलता है, यहाँ टू है ना, तो टू से डिवाइड करेंगे तो टू को तो कितना आएगा, यहाँ वन आएगा। और फोर और टू कितना हो जाएगा, छः। और टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, थ्री आएगा। छः चार दस हो जाता है, तो कितना होगा, टू से डिवाइड करेंगे तो फाइव आएगा। फिर इसको करेंगे, आठ छः को करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ सेवनटीन हो जाएगा, सात हो जाएगा। फिर यहाँ इसको करेंगे इतना हो जाएगा, यहाँ नाइन हो जाएगा। फिर इसको करेंगे यहाँ इलेवन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फोर्टीन, निकल गया। अब एफ आई एक्स आई किस तरह निकालेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, वन। इन दोनों को इंटू करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, सिक्स। यहाँ हो जाएगा फाइव, यहाँ हो जाएगा थर्टी फाइव, यहाँ आ जाएगा फिफ्टी फोर, यहाँ हो जाएगा 22 और यहाँ हो जाएगा 42। तो चलिए अब हम उसके बाद इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई इक्वल, इसको एफ आई बोलते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ें, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू, इस दोनों को आप लोग जोड़ कर देख लीजिए, इतना आएगा 162 आएगा। तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई इक्वल टू, इसको ऊपर में रखेंगे 162 को और बाय 20, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 81 और यहाँ 10। तो इसको 81 या 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8.1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।